हेलो एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम टू आल ऑफ यू दिस इज़ पूजा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग ई एम आर एस के पी जी टी एंड टी जी टी बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट एंड मॉरल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सेवन कंप्लीट कर लिए हैं है ना जो कि आपको मॉर्निंग की क्लास में कराए जाते हैं एंड आपके इवनिंग की क्लास में मॉडल पेपर्स सॉल्व कराए जाते हैं ठीक है जिसमें हम लोगों ने मॉडल पेपर फाइव कंप्लीट कर लिए हैं मॉडल पेपर फाइव के हम लोगों ने टू पार्ट्स में क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे तो डेफ़िनेटली आप उन सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं एंड इसके साथ साथ आप किसी भी स्टेट से हैं लाइक like बिहार से झारखंड से या फिर आप यू पी एस सी टी जी टी पी जी टी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 90 परसेंट बायोलॉजी का सिलेबस सभी टी जी टी और पी जी टी एग्ज़ाम्स में सेम होता है वो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है क्लियर तो ये वीडियो सभी स्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज़ के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अगर आप पी डी एफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है क्लियर चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसनट्रेशन इन ओजोन का सबसे ज़्यादा लार्ज कंसनट्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा आइनोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर आर्कटिक रीजन या फिर थर्मोस्फेयर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओजोन लेयर का ज़्यादा कंसनट्रेशन किस लेयर में है बायोस्फेयर के किस स्ट्रेटा में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन देखने को मिलता है सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैटो में पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर ठीक है हमारे बायोस्फेयर में जो ऊपर सबसे लेयर है उसमें पंद्रह से लेके पैंतीस किलोमीटर के बीच में ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज टोमेटो एंड लेमन में किस टाइप का प्लेसेंटा होता है पेराइटल फ्री सेंट्रल मार्जिनल या फिर एक्साइल सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें टोमेटो एंड लेमन में देखने को मिलता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टर्ड एप्पल जिसे हम सीता फल कहते हैं इनोना इस्क्मस ठीक है इसका बोटेनिकल नेम है इनोना इस्क्मस इजा जो कस्टर्ड एप्पल है इसका फ्रूट किस टाइप का होता है कंपोजिट फ्रूट सिंपल फ्रूट एग्री फ्रूट या फिर श्रिनकोनस फ्रूट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एग्री टाइप्स का फ्रूट यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि ये एपोकार्पस ओबरी से डेवलप होता है यहाँ पर ग्रुप में सिंपल फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एग्री फ्रूट कहते हैं क्लियर सो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर कंपोजिटी में दो टाइप्स के फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं तो आपको बताना है डिस्क फ्लोरेट्स किस टाइप का है जाइगोमार्फिक एपी जाइगोमार्फिक हाइपोगाइनस या फिर एक्टिनोमार्फिक एपी या फिर सेक्टिनोमार्फिक एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस ठीक है एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस आप आंसर करेंगे सो so यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमार्फिक मार्फिक देखिए क्वेश्चन डीप हैं है ना अगर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट स्टडी की है तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे हम बार बार कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं कराता है ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ आपको बाई करनी पड़ती है ठीक है तो प्लीज़ अभी से आप सीरियस हो जाइए और सभी क्वेश्चनस को आप ध्यान से सॉल्व करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ फैमिली लेग्यूमनेशी इन टू सब फैमिली इज टू फैमिली आपकी लेग्यूमनेशी है ठीक है फैमिली लेगुमनेशी को सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है तो किसके कैरेक्टर की बेसिस पर कैलिक्स करोला एंड एंड्रोसीयम या फिर गाइनोसीयम या एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स चलिए आप भी आंसर करेंगे करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी क्रोला एंड एंड्रोसियम की बेसिस पर फैमिली लेगुमिनेशी को सैफ फैमिली में डिवाइड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बोटेनिकल नेम ऑफ सुपारी इज सुपारी का बोटेनिकल नेम क्या है अकेशिया कैचू अरेका कैचू पाइपरबीटल या फिर नन ऑफ दिस कई बार आपसे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बोटेनिकल नेम पूछे जाते हैं तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स के बोटेनिकल नेम याद रखेंगे क्लियर सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरेका कैटेचू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन वेसीपिटल ऑर्डर द इनफ्लोरिस इज टर्म्ड एज जो, है, जो फ्लावर हैं ये इनफ्लोरिसेंस जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है इन्हें हम क्या कह रहे हैं इनफ्लोरिस ठीक है इनफ्लोरिसंस ये इनफ्लोरिस का स्टाक है जिसे हम पेडिंगल कहते हैं ठीक है और इसमें इस तरीके से कई सारे फ्लावर्स लगे होते हैं ठीक है तो ये आपके फ्लावर्स है फ्लावर्स जिनसे अटैच है तो इससे हम कहते हैं आपका पेडिसल है ये ठीक है पेडिसल एंड ये आपका पेडिंकल है तो आपसे पूछा गया है बेसीपिटल ऑर्डर में किस में फ्लावर्स अरेंज होते हैं साइमोस में साइथियम रेसीमोस इनफ्लोरिसेंस में या फिर वर्टी स्लेस्टर इनफ्लोरिसेंस में सो so यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेसीमोस में बेस पे न्यू फ्लावर्स ठीक है जो बेस है बेस पे आपके जो है यंगर फ्लावर्स देखने मिलेंगे और जो एपेक्स है वहाँ पर आपको ओल्ड फ्लावर्स देखने मिलेंगे जिसे हम बेसिपिटल मैनर कहते हैं ठीक है तो बेसिपिटल मैनर में फ्लावर अरेंज्ड होते हैं ऐसे इनफ्लोरिसेंस को हम रेसीमोस कहते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एडिबल पार्ट इन ग्रेप्स इज ग्रेप्स का एडिबल पार्ट क्या है मीसोकार एपिकार्प, पेरीकार्प या फिर एपिकार्प, मीसोकार्प एंड प्लेसेंटा तो हम सभी लोग ग्रेप्स खाते हैं ना तो हम लोग ग्रेप्स का कौन सा पार्ट खाते हैं मीजोकार्फ खाते हैं एपिकार्प खाते हैं या फिर हम इसका एपिकार्प, कार्प एज वेल एज प्लेसेंटा खाते हैं चलिए सो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपीकार्प मीजोकार्प एंड प्लेसेंटा जो है ये एडिबल पार्ट होता है ग्रेप्स का क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास लेमन ग्रास का बोटेनिकल नेम क्या है साइम्बोपोगन नार्डस साइम्बोपोगन सिट्रेटस साइम्बोपोगन मार्टिनी, हिट्रोपोगन, कॉन्ट्रोटस अच्छा क्वेश्चन है करेक्ट so, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइम्बोपोगन सिट्रेटस जो है ये एक लेमन ग्रास है ठीक है लेमन ग्रास का ये बोटेनिकल नेम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच्ड स्टेमस आर फाउंड इन किस में ब्रांच्ड स्टेमन देखने को मिलते हैं यूफोरबिया, रिसीनस क्रोटोन या फिर मलवेस्ट्रम तो आपको स्टेमन्स जो हैं ठीक है स्टेमन्स इस, इस तरीके से ब्रांच स्टेमन्स किस में देखने को मिलेंगे सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूफोरबिया। यूफोरबिया में आपको जो स्टेमन्स हैं ये कैसे होंगे ब्रांच्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपेन ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रैपशिन बाय द एक्शन ऑफ जो ट्रिप्सिनोजन है ठीक है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रैपशिन में तो ये किसकी हेल्प से होता है कोलीसाइटोकाइनिन इंटेरोक्राइनिन या फिर इंटेरोकाइनेज या फिर सिक्रेटिन जो आपका ट्रेप्सिनोजन एंजाइम्स है ये क्या है जाइमोजन है यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है है ना इसे क्या करना पड़ेगा एक्टिव तो जो ट्रेप्सिन है आपका ट्रिप्सिनोजन है ट्रिप्सिनजन है ये किस में चेंज हो जाता है ट्रेप्सिन में जो कि एक्टिव है एक्टिव ट्रिप्सिन में तो ये किसके एंजाइम की हेल्प से होता है तो ये आपका इंटेरो एंजाइम की हेल्प से होता है ठीक है एंजाइम की हेल्प से क्लियर सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट एलिफैंट टस्क आर एलिफेंट में जो आप ये बाहर की तरफ निकले हुए दो टीथ देखते हैं ना जिन्हें हम एलिफेंट टस्क कहते हैं तो ये एलिफेंट टस्क किसका मॉडिफिकेशन होते हैं मोलर कैनाइंस का या फिर कैनाइंस का या फिर इंसाइजर का या फिर प्री मोलर्स का so यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसाइजर्स जो इंसाइजर हैं यही क्या एलिफेंट टस्क होते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट्स एनिमल ऑफ टूथ टूथ का सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट क्या है एनिमल है ना जो इनेमल है ये हमारे टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है तो इसे कौन सिक्रीट करता है डेंटो ब्लास्ट सेल एमाइलो ब्लास्ट सेल ऑस्टिओ ब्लास्ट सेल या फिर ओडोन्टो ब्लास्ट सेल सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एमिलो ब्लास्ट सेल्स ये क्या करती हैं इनेमल को सिक्रीट करती हैं जो कि टूथ का हार्डेस्ट पार्ट बनाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट मैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सिकेंड को आपको मैच करना है ठीक है तो हिपैटिक लेवल ब्रूनर्स ग्लैंड क्रिप्स ऑफ लीवर कोहने स्फिंक्चर ऑफ ओडाई एंड सिस्टिक डक्ट इनके रिलेटिव ऑर्गन्स दिए गए हैं तो आपको मैच करना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं। सब म्यूकोसल ग्लैंड बेस ऑफ विलाई ग्लीसंस कैप्सूल गाल ब्लेडर पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सिरोस ग्लैंड सिरोसा ग्लैंड ठीक है सो आप मैच करेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा जो हिपैक्टिक ल्यूब हैं ठीक है थीके? जो हिपैटिक लोव्यूल हैं ये आपके क्या है ग्लीसंस कैप्सूल ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये आपके सब म्यूकोशल ग्लैंड हैं एंड क्रिप्स ऑफ लीबर को ये क्या है बेस ऑफ विलाई इंस्पेक्चर ऑफ ओडाई ठीक है इंस्पेक्चर ऑफ ओडाई क्या है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट ने जो इंस्पेंचर प्रजेंट है से हम इंस्पेंचर ऑफ ओडाई कहते हैं एंड सिस्टिक डक्ट कहाँ प्रजेंट है तो ये आपके गॉल ब्लेडर में ठीक है तो ए के साथ थर्ड बी वन ए थर्ड बी वन या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ फंक्शन ऑफ पेडी सैलरी इन स्टार फिश इज स्टार फिश में पेडी सैलरी इस नाम की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पायरेशन कैप्चरिंग क्लीनिंग या फिर फीडिंग चलिए तो जो स्टार फिश है ये आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है एंड इकाइनो डरमेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये हेल्प करता है इसके रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन इसके साथ साथ फीडिंग में भी हेल्प करता है ठीक है तो ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंड जो स्टार है हम इसे स्ट्रेसिस भी कहते हैं और ये कैसी होती है या आपकी स्टार शेप की कुछ इस तरीके से होती है यानी कि इसके पास फाइव आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और इसकी इन्हीं फाइव आर्म्स में पेडी नाम की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से ठीक है तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है रिस्पायरेशन कैप्चरिंग या फिर क्लीनिंग या फिर फीडिंग तो इसका मेन फंक्शन होता है क्लीनिंग में ठीक है ये अपनी बॉडी ये अपनी आर्म्स को क्लीन करती रहती है और जो वेंट्रल साइड है इसका ये डिस्क जो प्रेजेंट है इसका वेंट्रल साइड है इस साइड इसका एनस प्रेजेंट होता है सॉरी डॉर्सल साइड पे और इसके पीछे जो इसका वेंट्रल साइड है वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्टार फिश की डोसल डिस्क पर क्या प्रेजेंट होता है और जो वेंट्रल डिस्क है वहाँ पर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है तो आप इस बात को याद रखेंगे तो पेडिसलेरी का मेन फंक्शन क्या हुआ क्लीनिंग ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप एमंग द रिजल्टेंट प्रोजेनी इट इज ड्यू टू लिंकेज कंप्लीट लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉटमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो आपके पास प्रोजेनी है उसमें आपको पैरेंटल टाइप्स के करेक्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन होगी क्या लिंकेज होगा या फिर कंप्लीट लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉटमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पर क्या है लिंकेज ऐसा किस कारण हो पाया लिंकेस के कारण तो भी प्रोजेनी में जो है उसके पैरेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वॉज डिबॉयड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ठीक है जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस कैटेगरीज को यूज़ नहीं किया था जीनस एंड स्पीसीज क्लास एंड ऑर्डर फाइलम एंड फैमिली या फिर किंगडम एंड क्लास चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलम एंड फैमिली कैटेगरीज को यूज नहीं किया था केरोलस लीनियस को हम टैक्सोनॉमी का फादर भी कहते हैं ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट मैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन कॉलम फर्स्ट जिसमें आपके कुछ मेंबर्स दिए गए हैं एंड कॉलम सेकेंड में उनके फूड रिजर्व फूड हैं उनसे आपको मैच करना है वैसीफाइसी ठीक है क्लास वैसीफाइसी जैंथोफाइसी फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी ये क्या है आपकी एलगी की क्लासेस हैं तो आपको बताना है वैसी में स्टोर रिजर्व फूड क्या है ऑयल ल्यूकोसिन मैनीटॉल वैल्युटीन या फिर स्टार्च। सो so, जो वैसिलो हैं जिसके अंदर आपके डाइटोम्स आते हैं तो इनके पास रिजर्व फूड क्या है वेलुटीन, ठीक है एंड जैंथो में रिजर्व फूड फैट एंड ऑयल्स हैं ठीक है फैट एंड ऑयल्स एंड फ्यूफाइसी में मैनीटोल क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्या है स्टार्च ठीक है ए फोर्थ बी टू बी आपका जेंथोफाइसी बी वन बी वन सी थर्ड डी फिफ्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर वन कर लेंगे ठीक है आप करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉन्ट में कोई इश्यू आ रहा है ठीक है तो चीज़ें क्लियर राइट डाउन नहीं हो पा रही हैं सो लिटरली सॉरी द वेला ऑफ ऑर्किड रूट एक सेकेंड द वेला मैन ऑफ आर्किड रूट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सो वेला मैन टिश्यू हैं ठीक है थीके? ये कहाँ प्रजेंट है आर्किड की रूट में तो ये किससे ड्राइवड होते हैं फेलोजन ऑफ रूट प्लीरोम ऑफ रूट डरमेटोजन ऑफ रूट या फिर नन ऑफ दिम सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डरमेटोजन ऑफ रूट से डरमेटोजन से ये ड्राइव्ड होते हैं वेलामेन टिश्यू ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के होते हैं जो आर्किड है ये आपका इपीफाइड्स प्लांट्स है और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रॉक बी इज रॉक बी क्या है हनी भी की एक स्पीसीज़ है है ना रॉक बी कि अदर हनी भी की कंपेयर ये सबसे लार्जेस्ट हनी भी होती है और ये सबसे लार्जेस्ट होती है ठीक है साइज में तो आपको बताना है इसका नेम क्या है एपिस फ्लोरिया एपिस इंडिका या फिर एपिस डॉर्सेला या फिर नन ऑफ दीस So, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिस डॉर्सेला इसे हम कॉमनली कहते हैं ठीक है राक वी जो कि ये नॉर्मली अदर वी से साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और ये एक जंगली प्रजाति है क्लियर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द सोरस ऑफ ड्राइव टेरिस इज जो ड्राइव टेरिस है इसका सोरस किस टाइप का होता है मिक्स्ड टाइप सिंपल टाइप ग्रेडेड टाइप या फिर नन ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस चलिए जो ड्राइव टेरिस का सोरस है ये ग्लोब्यूलर सेप्ड का होता है और कैसा होता है मिक्स्ड टाइप का होता है ठीक है मिक्स्ड टाइप का सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द जेनेटिक कोड इज़ कॉल्ड डी कोड बिकॉज जो जेनेटिक कोड है इसकी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं जो जेनेटिक कोड है ये कैसा है डी टाइप का है बिकॉज वन हैज़ मेनी मीनिंग्स एक कोडान के पास कई सारी मीनिंग्स हैं मोर देन वन कोडान हैज़ द सेम मीनिंग एक से ज़्यादा कोडान के पास सेम मीनिंग्स होती है यानी कि सेम Uh, जो एक कोडान है उसके पास एक से ज्यादा कोडान के पास सेम मीनिंग होती है यानी कि uh, जो है अलग अलग तरीके के को कोट कर सकते हैं वन मीनिंग देर आर सिक्सटी फोर कोड़ान्स प्रजेंट चलिए सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मोर देन वन कोडान हैज द सेम मीनिंग ठीक है एक कोडान के पास एक से ज्यादा uh, ज्यादा एसिड्स को कोड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेम जो है सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीट्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव्ड बाय एक पॉन्ड है, है ना फिश पॉन्ड जिसमें आपने फिशेस को जिसमें फिशेस प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर कुछ वीड्स ग्रो कर गई हैं यानी कि घास फूस सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रो कर गई है तो आप क्या करेंगे विडिसाइड्स डालेंगे हर्बीसाइड्स का स्प्रे करेंगे या फिर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे या फिर मैकेनिकल आप रूटिंग करेंगे सपोज़ करिए आपके पास पॉन्ड है, है ना जिसमें आपकी ढेर सारी फिशेज हैं और इस पौंड में कई सारे बीड्स ग्रो कर गए हैं ठीक है ये ग्रासेस ग्रो कर गई हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे बीडिसाइड्स को यूज़ करेंगे हर्बिसाइड्स को यूज़ करेंगे या फिर पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे या फिर मैकेनिकल अपरूटिंग करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल आप रूटिंग करेंगे है ना विडिसाइड्स का स्प्रे नहीं करेंगे इससे हमारी क्या होंगी फैस फिशेज जो है ये इनकी डेथ हो जाएगी हर्बिसाइड्स का भी यूज़ नहीं करेंगे और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका अगर यूज़ करेंगे तो जो फिशेस हैं वो उनकी जो है डेथ हो जाएगी वो डाइज हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे जो ये वीड्स हैं इन्हें हम इनकी हम अपरूटिंग करेंगे ठीक है इन्हें हम हाथों से उखाड़ कर बाहर निकालेंगे इसको हम मैकेनिकल अपरूटिंग कहते हैं सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फैमिली ग्रुप सिनग्रीन इज फाउंड सिंग्रीन आपको किस फैमिली में देखने को मिलेगी मालवेशी रोटेसी ब्रेसी या फिर नन ऑफ दम जो सिंग्रीन है यह हम किस फैमिली के मेंबर से ऑप्टेन करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेसी क्रेसी ठीक है ब्रेसी जैसे तो इसके अंतर्गत आपका आता है मस्टर्ड तो मस्टर्ड में उसे ऐसी ग्लैंड होती हैं जहाँ से हम सि्रीन को ऑप्टेन करते हैं और सिनग्रीन क्या होता है ग्लूकोसाइनोलेट ठीक है सिंग्रीन क्या है ये ग्लूको ग्लूको साइनोलेट क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड फूड की फ्लेवर को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज़ करके या फिर टेट्राजीन्स या नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड्स है जो जिसे हम फूड का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए जो फ़ूड है उसकी जो खुशबू है उसको हम इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं चलिए आंसर करेंगे सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे सो तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनोसोडियम ग्लूटामेट ठीक है मोनोसोडियम ग्लूटामेट यह फूड की जो फ्लेवर है सुगंध है उसको बढ़ा देता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिशियंसी ऑफ इंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज अकर्स इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेहतरीन क्वेश्चन होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की अगर डिफिशेंसी हो जाए तो इनमें से कौन सी डिजीज़ होगी फेनिल फेनिल कीटोनूरिया फेनिल कीटोनूरिया टाइसेक्स डिजीज एल्केप्टोनुरिया या फिर थैलासेमिया या फिर थैलेसेमिया चलिए सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एलेक्टोनूरिया जिसे हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं या इसको हम ब्लैक बोन डिजीज भी कहते हैं इसमें होमोजेनिसिटी एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम की डिफिशियंसी से ये डिजीज कॉज होती है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि ये जेनेटिकली हेरिटेबल होता है क्लियर जुनेटिकली इनहेरिटेबल है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है याद रखना होमोजेनटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी से एलेक्टोनोरिया डिजीज हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन द एग ऑफ एम्फी ऑक्सिस इज एम्फी का एग कैसा होता है ऑन द बेसिस ऑफ योग है ना योग के अमाउंट के बेसिस पर एम्फी ऑक्सिस का एग कैसा है आलेशिथल, माइक्रोलेशिथल मीजोलेशिथल या फिर पॉलीलेशिथल। लेशिथल सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है ना माइक्रोलेशिथल माइक्रोलेशिथल या फिर इसी को हम ऑलिगोलेशिथल भी कहते हैं अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन में ऑलिगोलेशिथल रहता तो भी आप इसी को कर, टिक करते ठीक है ऑलिगो लेसीथल ओलिगो अगर बात करें आलेशिथल की तो आलेशिथल आपको ह्यूमेंस में देखने को मिलेगा ठीक है ह्यूमेंस में एंड मीजोलेशिथल मीजोलेसिथल आपका एम्फीवियंस का एम्फीवियंस के जो एग होते हैं उनमें जो योग है उसका लेवल कैसा होता है मॉडरेट होता है है ना मीजोलेसिथल एंड सबसे ज़्यादा योग का अमाउंट किसमें प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में ठीक है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में जिन्हें हम पॉलीलेसिथल कहते हैं पॉलीलेसिथल एंड इसके साथ साथ प्रोटोथीरियंस प्रोटोथीरियंस के भी एग कैसे होते हैं पॉलीलेसिथल क्लियर तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी एम्फ्यू में बहुत कम मात्रा में योग प्रेजेंट होता है तो इसे हम माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल कहते हैं इसके साथ साथ एम्फ्यूक्सिस के साथ और आप याद रखेंगे जो आपके यूथेरियन मैमल्स हैं यूथेरियन मैमल्स इनमें भी एग कैसा होता है माइक्रोलेसिथल बहुत इम्पोर्टेंट है इन्हीं से घुमा फिरा के कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड बाय किसी भी पेस्टिसाइड्स की हम टॉक्सिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एल पी फिफ्टी एल डी फिफ्टी एल ए फिफ्टी या फिर एल आर फिफ्टी ठीक है कोई भी पेस्टिसाइड्स है तो वो कितना टॉक्सिक है ये हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद उसे हम कैसे डिनोट करते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं एल डी फिफ्टी से ठीक है मीडियम लीथल डोज फिफ्टी परसेंट ऑलवेज मीडियम लेथल डोज कितना होता है 50 परसेंट क्लियर तो यहाँ पर क्या है लीथल डोज कितना होगा 50 चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड एमनियोट्स एंड अ एमनियोर्स के बारे में आपको याद होगा है ना एमनियोर्स इनमें से कौन सा एमनियोर्स नहीं है एमफीविया रेप्टाइल्स बर्ड्स या फिर मैमल्स तो जो आपके रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स हैं ये कैसे हैं एम्योर्ट्स हैं ठीक है इनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनके इम्ब्रिक डेवलपमेंट के दौरान एम्योटिक फ्लूड प्रेजेंट होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं एम्योर्स कहते हैं तो रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हैं एम्योर्स हैं लेकिन अगर बात करें अनएम्स की तो अन एम्योर्स कौन से हैं हमारे फिसेस ठीक है फिसेस एंड एमफीवियंस सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन एम्योर्स सॉरी एमन्योर्स डो नॉट इंक्लूड तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन एर्थ वर्क सबसे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं ये कौन से हैं ऑस्ट्रेकोडरमाई सिफेलोकार्डेट्स, यूरोकार्डेट्स या फिर प्लेकोडरमाई चलिए जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं ये कौन से हैं सो so, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं ये ऑस्ट्रेकोडरमाई हैं जो कि इंस्टिंक्ट हो चुके हैं ठीक है इनके कुछ ही फॉसिल्स आपको यूरोप एंड अफ्रीकन्स में देखने को मिलेंगे ये प्रीमिटिव जॉलेस फिशेस हैं प्रीमिटिव जॉलेस फिशेस हैं ठीक है, है। जो कोई इंस्टिंक्ट हो चुकी हैं तो इन्हें ऑस्ट्रैक को डरमाई में रखा गया है तो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कौन थे ऑस्ट्रैको डरमाई क्लियर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी इन सम फिशेस इज कुछ फिशेस में एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी देखने को मिलती है तो ये क्या है टैंगो रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर्स थर्मो रिसेप्टर्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स आप आंसर करेंगे सो so यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए टेंगो रिसेप्टर्स जो टेंगो रिसेप्टर्स है ये एक तरीके का सेंसिटिव ऑर्गन्स है जिसमें इलेक्ट्रिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो हम टेंगो रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज फेमस एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे इंडिया का बर्ड मैन कहा जाता है पी महेश्वरी एम एस स्वामीनाथन सलीम अली या फिर नन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सो so यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सलीम अली हैं, ये एक एंड नेचुरलिस्ट थे इन्हें बर्ड ऑफ बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड पापुलेशन डे इज़ एब्जॉर्व ऑन वर्ल्ड पापुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एलेवन जून सेवन अगस्त ग्यारह जुलाई या फिर ट्वेंटी सेवन मार्च चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एलेवन जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रियल सीथ इन स्पोर्म इज प्रेजेंट इन जो माइटोकॉन्ड्रियल सीथ है यह स्पोम में कहाँ पर प्रेजेंट होती है तेल मिडिल पीस एक्रोसोम या फिर हेड सपोज करिए ये आपका इस्पॉम है ठीक है ये आपका स्पोम है जिसमें यह इसका हेड रीज़न है ठीक है ये इसका एक्रोसोम है और ये इसका मिडिल पीस है ठीक है नेक रीजन मिडिल पीस और ये इसका टेल रीजन टेल रीज़न है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं जो क्या है फ्लैजिला है आज फॉन्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो इस तरीके से फ्लैन टेंट फॉर्म में इस तरीके से देखने को मिलती है ठीक है जिसे हम नीवर कन भी कहते हैं तो स्पोम में माइटोकॉन्ड्रियल सीथ कहाँ प्रेजेंट होती है मिडिल पीस में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वेंटेड ठीक है इन्वर्टेड प्लीज आप इसे करेक्ट कर लेंगे इनवर्टेड किस इकोलॉजिकल जो इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं होता है इनवर्टेड नहीं होता है बायोमास बायोमास नंबर एनर्जी या फिर नन ऑफ दिस तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका एनर्जी जो एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है ये ऑलवेज स्ट्रेट होता है ठीक है सीधा हमेशा होता है ऑलवेज स्ट्रेट नेक्स्ट तो डियर स्पेरेंट्स आज की क्लास के ये आपके थर्टी फाइव क्वेश्चन थे आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ज़रूर आपको इनमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो डियर्स पेरेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में चैनल को शेयर जरूर कीजिए ओके सो थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं एंड आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है अगर क्वेश्चन अगर आपने बहुत डीप में अच्छे से पढ़ाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा आई होप ओके सो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिए ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से सॉल्व करते रहिए ठीक है अगर आप पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से पी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच एवरीवन